और ये बताएं कि पढ़ाई वढ़ाई का कैसा है? पढ़ाई कौन करता है? पढ़ाई कौन करता है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डीके व्लॉग्स। मैं हूं ध्रुव किशन और आज मैं आया हूं मिरांडा कॉलेज। यहां पे करने वाले हैं यहां का कॉलेज टूर, यहां की वाइब देखने वाले हैं, डिपार्टमेंट्स और सीयूटी स्कोर सब जानेंगे, तो वीडियो बनेगा। तो कॉलेज में एंट्री करते के साथ ही सामने हमको एडमिन ऑफिस मिल जाता है। ये पूरा एडमिन ऑफिस है और ये यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखेगा। अभी मैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस दिखाता हूँ, ऊपर लिखा हुआ भी है प्रिंसिपल ऑफिस और ये अंदर प्रिंसिपल ऑफिस है। अंदर जाए ये इसका मेन एरिया है, सामने ऑडिटोरियम है, ऊपर डिपार्टमेंट वगैरह सारी मेन क्लासेस लगती है। ऊपर आते के साथ ही सबसे पहले हमको फिलॉसफी डिपार्टमेंट दिखता है, ये पूरा फिलॉसफी डिपार्टमेंट है। तो पर्टिकुलर किसी निश्चित क्लासेस नहीं है यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, कोई भी क्लास कहीं पर भी हो जाती है, ऐसे कुछ है ना? हाँ, तो ऐसा है। कंप्यूटर लैब्स जहाँ पे हैं वहाँ से जब इधर आते हैं तो इधर जियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह है, ये पूरा एरिया जियोलॉजी डिपार्टमेंट का है। हाँ, तो इसी बिल्डिंग में साइंस ब्लॉक भी है जो कि थोड़ा सा हम लोग टर्न वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं कॉलेज में खूब चिल पिल करके बैठी पड़ी है, मतलब खुल जिसे चिल पिल करना होता है ना वैसा है यहाँ पे। पीछे कुछ लड़के कह रही है हेलो गर्ल्स चाय पी लो टाइप करके, मतलब कि जो फ्रेंकली माहौल होता है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, वैसा था ना कि मिरांडा जा रहे हैं गर्ल्स कॉलेज है, थोड़ा सा होगा सिक्योरिटी टाइप। सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है भाई, सिक्योरिटी में निसंदेह बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो चिल्ले थोड़ा सा फ्रैंक टाइप है। मैंने हर क्लास के बाहर मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि ये स्कैनर वगैरह लग रहा है, तो इनसे मुझे पता चला कि ये स्कैनर वगैरह इसलिए लगे हैं ताकि वाईफाई जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो वाईफाई कनेक्ट करें स्कैन करके और आराम से स्टडी करें, वीडियोज़ वगैरह देखने कॉलेज में गर्ल्स के कंफर्टेबल का बहुत नेक्स्ट लेवल पर ध्यान रखा गया है। जगह जगह पर झोपड़ियाँ हैं, जगह जगह पर ग्राउंड है, गार्डन्स हैं, भाई नेक्स्ट लेवल। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ना, इसके साइड में ही है मिनी ऑडिटोरियम। जैसे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है उसके लिए कोई पूरा बड़ा ऑडिटोरियम ना बुक करना पड़े, इसलिए छोटा बना दिया है ताकि जो छोटे मोटे प्रोग्राम है वो इसमें हो जाए करें। तो ग्राउंड के साइड में ही एक छोटा सा इन्होंने कुछ बना रखा है, अब पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई भी परफॉर्मेंस किसी को देनी होती है तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह ये लोग यहाँ पे आके करते हैं। इसी की तरह ये भी इसके साइड में ग्राउंड है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह भी हो रही है, तो इसी तरह से ये लोग गर्ल्स यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस वगैरह करती हैं। अच्छा, तो ये बता रही कबीर सिंह की मूवी यहाँ पे शूट हुई है, तो कहाँ पे हुई अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। और ये कॉलेज बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। अगर मैं कहूँ कि हिंदू स्टीफंस अगर सुंदरता की बात की जाए तो शायद इन दोनों को ही पीछे छोड़ देता है। ये इसकी गैलरी इतनी अच्छी भाई, जहाँ आप जाओगे वहाँ फोटोशूट के लिए एरिया मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्लासरूम में, यहाँ की देखते हैं कि क्लासरूम्स कैसी हैं। भाई क्लासरूम सही में बहुत अच्छी हैं, और ये देख रहे हो शीशे वीशे सब लग रहे हैं। क्लासरूम के अंदर भी इतना सुंदर लग रहा है यार, इनकी क्लासें भी इतनी सुंदर है ना यार, बहुत ज़्यादा। देखो आप खुद देखो यार कितनी सुंदर है, सही में मैं तो फैन हो गया इसकी सुंदरता। कॉलेज, हाँ यहाँ पे लड़के तो बढ़ती है, लड़के भी सुंदर है कॉलेज भी सुंदर है दोनों। और सामने जो आप देख रहे हैं लगता है ये इनको ऑडिटोरियम है, बाहर से देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं, लगता है कोई प्रोग्राम चल रहा है। भाई थोड़ा सा धीरे बोलूँगा, भाई बड़ा है इनका ये ऑडिटोरियम है। और इसके सामने आप जो देख रहे हैं ये कैंटीन है, अभी मैं आपको कैंटीन में ले जाऊं। तो ये सामने इनकी कैंटीन, अंदर चल के देखते हैं इनकी कैंटीन कैसी है। और मेरे पास कुछ टोकन्स हैं जहाँ पे अंदर जाके मैं कुछ खा के देखूंगा और आपको बताऊंगा यहाँ का खाना कैसा है। कॉलेज को देख के ना, इस पूरे कॉलेज को देख के ऐसा लग रहा है, हमें कॉलेज के अंदर घूम रहा हूँ मुझे पता है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी विदेशी कॉलेज में आ गया हूँ, इंटरनेशनल कॉलेज में आ गया हूँ। सही में कॉलेज बहुत ज़्यादा सुंदर है। सच्ची में आपको अच्छा लगा? नहीं, मुझे सही में आप ये मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए, मैं अपने खुद सही जो दिल से कहता है ना, दिल से निकलता है, कॉलेज बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। कैंटीन के साइड से निकलते जब यहाँ पे आते हैं तो ये पूरा एरिया नाइस कैफे लॉन है, दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ पे फेस्ट हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे कैफे बने, आगे ही बने, वो मैं आपको दिखाने वाला अभी। तो आज हम बहुत अच्छे मौके पे कॉलेज में आए हैं, आज यहाँ पे हो रहा है फेस्ट, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कॉलेज में फेस्ट है, अभी मैं आपको दिखाता रहूँगा।
Hello, hello, this is Sakshi and I'm from Miranda House and I hope you like roaming around in Miranda House. It's a pretty place. Thank you. Enjoy. ये देखो आपके यहाँ पे चेयर्स और टेंट वगैरह से पता लग रहा है पूरा कैफ़े एरिया। यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, एक बना हुआ है सामने कैफ़े, ऐसी जगह जगह पे कैफ़े बने, इसलिए इसको नाइस कैफ़े एरिया कहते हैं। ये हाँ, तो अभी हम मिरांडा टेक पार्क जा रहे हैं जो ये रहा, इसका बॉडी हमारे सामने हमारे हॉस्टल है, हम लोग उधर जाके देखेंगे। ये मिरांडा कॉलेज से ही है। आपको मिरांडा कॉलेज क्या बात सबसे अच्छी लगती है? सभी बात सबसे अच्छी लगती है। कुछ और ऐसी कुछ बात हो जो बाकी कॉलेजों में नहीं है और ये हो क्या? हाँ, मिरांडा इज बेस्ट। बाकी कॉलेजेस में गई नहीं। बाकी कॉलेज में गई नहीं। बहुत है प्रकृति का पूरा आशीर्वाद इस महाविद्यालय पर समर्पित। सामने हॉस्टल है, ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है और ये भी गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे जा नहीं सकते। अच्छा, तो ये देखो ये इनका पूरा हॉस्टल है, ये थोड़ा सा अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से इसकी मेन एंट्री है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये इनका ग्राउंड है भाई, ये जो छोटे छोटे गार्डन होते हैं ना, ये इनके गार्डन है। इसमें पूरा किसी कॉलेज का पूरा ग्राउंड बन सकता है। तो जो ये वाला एरिया है ना, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं हॉस्टल के इस साइड वाला, जो ये गैलरी आप देख रहे हैं, हाँ ये पूरा एरिया, यहाँ पे कबीर सिंह मूवी की थोड़ी सी शूटिंग हुई थी, तो तब से इसको इनकी मूवी के नाम से कबीर सिंह लॉन वगैरह जो भी लोग कहते हैं। हाँ, मेरे दोस्त लोग यही बोलते हैं। हाँ, कबीर सिंह कबीर और प्रीति वाला। हाँ, ये पूरे इस एरिया को ये लोग वही कहते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे साथ हैं मिरांडा की कुछ गर्ल्स, तो इनसे पूछते हैं यहाँ की कॉलेज वाइब कैसी है, कॉलेज का माहौल कैसा है। तो भाई कैसा माहौल है कॉलेज? कॉलेज की वाइब बिल्कुल चिल है, हमारी प्रिंसिपल बहुत चिल है, सोसाइटीज एकदम फन है, डिपार्टमेंट हम खुद मैथ डिपार्टमेंट से, मैथ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर स्टाफ एडवाइजर सब बहुत ज़्यादा चिल है। अभी हमारा एनुअल फेस्ट हुआ था, उसमें इतनी बढ़िया वाइब्स थी, वैसे ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट था हमारा, बहुत मज़ा आ गया था। मगर कॉलेज तो उसका इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिल्कुल। हाँ वो तो मैं मिरांडा को आई वुड रेट एज द बेस्ट कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस, यहाँ की वाइब इज लाइक अनमैच। एनी वन हु विजिट्स हियर लाइक वो बस जाता है, मतलब उसको भी पता चल जाता है दैट मिरांडा इज डिफरेंट एंड अदर कॉलेजेस आर डिफरेंट। हाँ, तो यहाँ पे हर चौथे दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे कि अभी ये लोग भी परफॉर्म कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो और ये बताएं कि पढ़ाई वढ़ाई का कैसा है? पढ़ाई सही है, बहुत करते नहीं है। पढ़ाई कौन करता है? पढ़ाई कौन करता है? नहीं, हमने एक्चुअल में लाइक 10th के बाद वाले हमारे स्टूडेंट मर गया। हाँ वो तो, फिर हमने बोर्ड्स दिया, फिर हमने 11th में क्या बोर्ड्स में 90s में 11th में 70s में, फिर वो जाता है स्टूडेंट कौन है स्टूडेंट, हम तो कॉलेज वाले हमारे सीयूईटी तो बस अपने से मर मर के अपने पेरेंट्स के डर में दिया था कि बस हमें डीयू चाहिए कुछ भी करके। बस आप फर्स्ट ईयर हैं, क्या था तुम्हारा सीयूईटी स्कोर? क्या था? 630 आउट ऑफ 700। हां, आपको क्या था? अराउंड 600। आपका? 500 आउट ऑफ 700। ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर थे, तो आपका कोर्स क्या था? मैथ्स ऑनर्स। नहीं, मेरे फर्स्ट ईयर इन 12th लाइक व्हाट सब्जेक्ट यू हैड? हां, वैसे मेरे पीक में पास पीसीएम विद इकोनॉमिक्स थे। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में मिरांडा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। तो अगर कोई स्टूडेंट्स आना चाहे तो आप क्या कहोगे उसको कि कैसे आना चाहिए, मतलब कि क्या क्या है? हाँ, क्यों आना चाहिए कॉलेज में? बहुत अच्छा है यार कॉलेज, तो क्या चाहिए, एक नंबर सारी फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी रीजंस बहुत अच्छा है। अभी अभी जो फिलहाल अभी जो टेम्पेस्ट हुआ था उसमें लाइक ITCW वाला जो सीन हुआ था, उस चीज को हमारे प्रिंसिपल ने देखते हुए लाइक सिक्योरिटी बिल्कुल 2x कर दी थी। बिल्कुल हमारे पास पुलिस 24/7 अवेलेबल थी पूरे कॉलेज कैंपस में, हमारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना सिक्योरिटी बेसिस पे पूरा ऐसे एंट्री रखी थी, रजिस्ट्रेशन डेस्क हमारा बहुत अच्छा था सब चीज़ का। बाकी दूसरी चीज़ देखी जाए मिरांडा की लड़कियों के लिए और कॉलेज के लिए, दूसरे कॉलेज के बॉयज पागल रहते हैं। लास्ट टाइम आपका दिवाली मेला था, मैं आया था रिकॉर्ड करने के लिए, बच्चे दीवार कूद कूद कर अंदर आ गए थे, तो फेस्ट में ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिला था? बहुत अच्छा था, अच्छा था, नॉर्मल इन द सेंस कि कोई हल्ला वल्ला नहीं था, जैसे लड़के करते हैं ना दूसरे कॉलेज में आके, वैसा कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी रीजन बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सिक्योरिटी बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी। हॉस्टल में हॉस्टल में भी काफी अब प्रिंसिपल और
ऐसा किसी को फील नहीं होगा कि तुम्हें लाइक ऐसे नीचे दबाया जा रहा है, बिकॉज तुम्हें लाइक पूरी तुम्हारी राइट्स मिलेगी हर जगह। हाँ, और अभी प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को लेकर बात हुई कि प्रिंसिपल यहाँ की बहुत चिल है, बहुत मतलब नॉर्मल जैसे स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की तरह ही बात करती है ना। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया से, पता नहीं लगता भाई प्रिंसिपल है, बहुत चिल है, फ्रेंड फ्रेंड की तरह बात करती है। ये एक नंबर गेट है, एक नंबर गेट के सामने यहाँ पे आपको मिलता है पुस्तकालय, मतलब कि लाइब्रेरी। ये कुछ लाइब्रेरी है, इसकी मैं भाई एंट्री नहीं है, दूसरे कॉलेजों में तो मैं आपको अंदर घुस के दिखा दिया करता था। ये गर्ल्स कॉलेज है, और गर्ल्स कॉलेज में भी मिरांडा कॉलेज है भाई, इसमें एंट्री नहीं मिलेगी लाइब्रेरी में। ये देखो यहाँ पे है, आओगे तो देख लेना खुद ही, ठीक है ना। ये पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अगर सही बताऊँ तो कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड थोड़ा छोटा है मुझे ऐसा लगा। बाकी पूरा कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड थोड़ा छोटा है। अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड छोटा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि गर्ल्स यहाँ पे स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स स्पोर्ट्स में आगे हैं, इन्होंने किसी रीज़न से एक ग्राउंड छोटा बना दिया होगा। हाँ। तो बस ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, और लाइक भी, लाइक भी और कर देना। हाँ, इसने कमेंट भी। ये बोल रही भैया अब तो कर दो, कोई लड़की बोल रही है भाई अब तो कर देना, ठीक है, बाय।